हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग मूवी के बारे में, जो 2008 में आई थी। पिछली कहानी में हमने देखा था कि जो टीम ब्लड ऑर्किड फूल लेने के लिए जंगल में आई थी, वो फूल वो खो देते हैं और बचे हुए लोग वापस चले जाते हैं। पर अभी भी कुछ लोग हैं जो अमेजोन नदी के पास एनाकोंडा को ढूंढ रहे हैं, और तभी एनाकोंडा उन पर हमला कर देता है। पर ये किसी तरह से उस एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके बाद उसी एनाकोंडा को एक लैब में ले जाया जाता है, जिसकी फंडिंग जेडी मर्डोच नाम का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल करता है। दरअसल उसे कैंसर की बीमारी है और वो किसी भी तरह से ऐसी दवा बनाना चाहता है जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। लैब का प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ब्लड ऑर्किड फ्लावर से जो हमने मेडिकेशन बनाया है, वो इंसानों पर और जानवरों पर जहर की तरह काम कर रहा है, जबकि वो एनाकोंडा पर पूरी तरह से असरदार है। दरअसल पिछली कहानी के अंत में जो ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स पैक के अंदर थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे, वो फ्लावर्स इन्होंने हासिल कर लिए होते हैं और उससे अब ये दवा बना चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा पर असर कर रही है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर अमेंडा जेडी मर्डोच के पास आती है और उसे बताती है कि हम मेल और फीमेल एनाकोंडा पर दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दवा के इस्तेमाल करने के बाद उनका साइज और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें इस लैब में रखना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हमें उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। जेडी मर्डोच उसकी बात मान जाता है। डॉक्टर अमेंडा और प्रोफेसर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं लैब के अंदर जेडी मर्डोच एनाकोंडा को देखने के लिए उसके ऊपर टॉर्च की फ्लैशलाइट चमकाता है, जिससे एनाकोंडा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है। जेडी मर्डोच यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब एनाकोंडा कई लोगों को मार चुका है, और इसके बाद वो डॉक्टर अमेंडा और प्रोफेसर के सामने आता है। एनाकोंडा प्रोफेसर को अपने फंदे में जकड़ लेता है। उसी वक्त डॉक्टर अमेंडा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो जेडी मर्डोच के पास जाती है और उसे बताती है कि जो एनाकोंडा आजाद हुआ था, उसने फीमेल क्वीन एनाकोंडा को भी आजाद कर दिया है, यानी कि अब दो खतरनाक एनाकोंडा जिनकी शक्ति और साइज पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है, वो यहाँ पर आजाद घूम रहे हैं। जेडी मर्डोच अपने असिस्टेंट पिंकस को कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उन्हें पकड़ना होगा। अगर गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई कि हम गैर कानूनी तरीके से एनाकोंडास को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो हम सब के सब सलाखों के पीछे होंगे। अब ये सांपों को पकड़ने की एक टीम को बुलाते हैं, जिसका हेड होता है स्टीफन हेमेट। ये वही है जिसने इस कहानी की शुरुआत में एनाकोंडा को पकड़ा था। ये सब के सब एनाकोंडा को पकड़ने के लिए दोबारा से जाते हैं। इनके साथ अब डॉक्टर अमेंडा और जेडी मर्डोच का असिस्टेंट पिंकस भी होता है। इनके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है। दरअसल जब एनाकोंडास के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो उनके अंदर एक ऐसी चिप लगा दी गई थी जिससे उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। वहीं एनाकोंडा को दिखाया जाता है जो फार्म में एक आदमी को निगल जाता है, और अब ये सब के सब उसे ट्रैक करते हुए उस फार्म में पहुंचते हैं, और तभी एनाकोंडा इनके एक साथी पर अपनी पूंछ से हमला कर देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब एनाकोंडा पर गोलियां चलाते हैं जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल एक्सपेरिमेंट की वजह से एनाकोंडा के शरीर में बहुत सारे बदलाव आए होते हैं, इसीलिए उसकी पूंछ अब बहुत ज्यादा शार्प हो गई है। अब स्टीफन सबको कहता है कि हमें दोनों एनाकोंडा का अलग अलग पीछा करना होगा, इसीलिए एक एनाकोंडा के पीछे वो खुद जाता है और दूसरे एनाकोंडा के पीछे वो डॉक्टर अमेंडा और अपने दो साथियों को भेजता है। डॉक्टर अमेंडा उन दो लोगों के साथ गाड़ी से एनाकोंडा का पीछा करना शुरू कर देती है, पर तभी एनाकोंडा साइड से आता है और जो गाड़ी चला रहा होता है उसके मुंह पर पॉइजन एसिड फेंकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी गाड़ी पलट जाती है, और अब डॉक्टर अमेंडा के साथ जो दूसरी लड़की होती है वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, इसीलिए वो हिल नहीं पा रही होती। एनाकोंडा उसे निगल जाता है, और इसके बाद वो डॉक्टर अमेंडा के सामने आता है। पर इससे पहले कि वो डॉक्टर अमेंडा को खा जाता, यहाँ पर स्टीफन आ जाता है जो एनाकोंडा पर गोलियां चलाता है। स्टीफन और अमेंडा यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोबारा अपने ग्रुप से मिलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर अमेंडा इन सबको बताती है कि क्वीन एनाकोंडा प्रेग्नेंट है और 24 घंटे के अंदर वो बहुत सारे एनाकोंडास को जन्म देगी, और ये कोई आम एनाकोंडा नहीं होंगे बल्कि इनके अंदर भी वो सारी पावर्स होंगी जो इन एनाकोंडास के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के बाद आई है। ये सुनने के बाद सब घबरा जाते हैं और अब वो मिलिट्री की मदद लेना चाहते हैं ताकि एनाकोंडास को पकड़ा जा सके। स्टीफन डॉक्टर अमेंडा से कहता है कि अगर मिलिट्री की मदद ली
तो सबसे पहले तुम जेल के पीछे जाओगी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स तुम कर रही थी वो सारे के सारे गैर कानूनी थे। डॉक्टर अमेंडा इसके आगे कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह एक बार फिर से ये अपने ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से एनाकोंडास का पीछा करना शुरू करते हैं। ये एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर एनाकोंडा जेडी मर्डोज के असिस्टेंट पिंकस पर अपनी पूंछ से हमला करता है और उसे मार देता है। अब एनाकोंडा एक बार फिर से इस जगह से भाग जाते हैं। ये बचे हुए चार लोग भी उनका पीछा करते हुए झील के किनारे तक आते हैं। ये समझ जाते हैं कि वो पानी के अंदर जा चुके हैं। अमेंडा कहती है कि पानी का टेम्परेचर कितना है। उसे बताया जाता है लगभग 40 डिग्री। डॉक्टर अमेंडा बताती है कि एनाकोंडा का खून ठंडा होता है, इसीलिए इतने गर्म पानी में वो ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते। और अब ये दो दो की टीम में बट कर झील के उस तरफ जाने का फैसला करते हैं। स्टीफन अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते से जाता है, जबकि अमेंडा अपने साथी निक के साथ सड़क के रास्ते से जाती है। रास्ते में अमेंडा को एक फैक्ट्री दिखती है और वो वहाँ पर गाड़ी रोक लेती है। वो अपने साथी निक को बताती है कि एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए जो माहौल चाहिए वो पूरा का पूरा माहौल उसे इस फैक्ट्री के अंदर मिलता है। ये फैक्ट्री के पास जाते हैं और तभी निक वहाँ पर एनाकोंडा को जाते हुए देखता है और रेडियो पर स्टीफन को इन्फॉर्म करके बता देता है कि एनाकोंडा फैक्ट्री के अंदर है। अब ये दोनों के दोनों फैक्ट्री के अंदर जाना शुरू करते हैं और जब ये तहखाने के अंदर जाते हैं तभी मेल एनाकोंडा अपनी पूंछ से निक को फंसा लेता है। निक जानता है कि वह बच नहीं सकता, इसीलिए वह अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खींच देता है। वो अमेंडा को कहता है कि भागो। अमेंडा दीवार के पीछे छुप जाती है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिससे मेल एनाकोंडा और निक दोनों की मृत्यु हो जाती है। वहीं ब्लास्ट की आवाज सुनकर स्टीफन और उसका साथी भी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। स्टीफन का साथी फैक्ट्री में चारों तरफ डायनामाइट बिछा देता है और वो अमेंडा को कहता है कि 60 सेकंड के अंदर मैं इस पूरी फैक्ट्री को उड़ा दूंगा। और इससे पहले कि वो टाइम सेट करता स्टीफन उसे गोली मार देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफन जेडी मर्डोज के लिए काम करता है। वो डॉक्टर अमेंडा को बताता है कि मुझे एक सांप के बच्चे के बदले $1 million मिलेंगे और एक यही कारण होता है कि उसने आर्मी को इन्फॉर्म नहीं किया होता। वो अमेंडा को कहता है या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या फिर हमारे साथ मिलकर काम करो। पर अमेंडा उस पर हमला कर देती है। स्टीफन उसका गला पकड़ लेता है, पर इससे पहले कि वो अमेंडा का गला दबाकर उसे मारता अमेंडा अपनी जेब से चाकू निकालती है और स्टीफन को मार देती है। स्टीफन अब जख्मी हो जाता है। अमेंडा यहाँ पर जो चारों तरफ डायनामाइट लगा है उसमें 60 सेकंड्स का टाइमर ऑन करके वहीं पर फेंक देती है और स्टीफन को कहती है कि अगर तुम बचाना चाहते हो तो अपने $1 million को बचा लो। स्टीफन उस टाइमर की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर हमें एनाकोंडा के छोटे छोटे बच्चे भी दिखते हैं, यानी कि एनाकोंडा बच्चे दे चुका है। डॉक्टर अमेंडा इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है और तभी एक ब्लास्ट होता है जिसमें स्टीफन के साथ साथ एनाकोंडा और उसके बच्चे भी मर जाते हैं। डॉक्टर अमेंडा के यहाँ से निकल जाने के बाद जेडी मर्डोज का एक आदमी जिसका नाम पीटर है वो फैक्ट्री के अंदर आता है जहाँ पर उसे एनाकोंडा का एक जिंदा बच्चा मिल जाता है। वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलता है और अपनी गाड़ी से जेडी मर्डोज को कॉल करता है। वो कहता है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मेरे पास है। जेडी मर्डोज कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर अमेंडा को दिखाया जाता है जो अपने सारे रिसर्च पेपर्स को जला देती है ताकि वो रिसर्च पेपर्स कभी भी किसी के हाथ ना आ पाए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आया था सन 2009 में जिस पार्ट का नाम है ट्रायल ऑफ द ब्लड और उसे मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।